हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा साढ़े यूट्यूब चैनल दे विच। अज असी लैके आए एक SI का पेपर जो पिछले दिन ही हो के हटिया, ये सैकेंड पेपर है। तो इस दे थ्रू तुसी जान सकते हो कि किस तरह तुसी अपने जिहड़ा पेपर का पैटर्न हो किस तरह का आएगा। जे तुसी भी हैड कॉन्सटेबल कॉन्सटेबल दे लई पेपर देन जाना है तो उस तो पहला तुसी इस वीडियो नूं जरूर देखो, ये तुहाडे लई लाहेवंद साबित होवेगी। तां इस दे विच सब तो पहला जिहड़ी कि दित्ती गई है वह है रीजनिंग। रीजनिंग दे सवाल ने इस दे विच। सो सवाल नंबर पहला की कहिंदे, चार अक्षर समूह दिते गए हन जिन्हां विचों तीन किसी खास ढंग नाल संगत हन अते एक असंगत है, मतलब एक वक्खरा इन्हां दे विचों वह चुनना। तो उस दे लई तुसीं देख सकते हो कि इन्होंने इस दे विचों ये चुनिया है। सैकेंड है, दिते हुए शब्दों विचों तीन एक निश्चित तरीके नाल संबंधित हन, जो कि चौथा वक्खरा है, चौथा वक्खरा चुनना। जे चार शब्द दिते गए, तीजा सवाल है जिहड़ा जिन्हां विचों तीन किसी खास ढंग नाल संगत एक संगत ये वक्खरा चुनना। कल्ला हसना सुपना विश्वास कल्ला ही वक्खरा। राजमार्ग दा जिवें सड़क है, ली दा की होगा, ली दा पटड़ी। SI दा पेपर है ये, जो कि आया से अपन पिछले दिन ही। हुण SI दीआं पोस्टां एक होर आ रही ने, अते कॉन्सटेबल दी भी होर 2300 पोस्ट जिहड़ी लगभग वह कढ़ी है नवीं, वह तुसीं जाके देख सकते हो। मैं तुहानूं लिंक उहदे विच भी पा दूंगा, डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक पा दूंगा मैं तुहानूं। वह अक्षर समूह चुनो, पंजवां सवाल है जिहड़ा, वह अक्षर समूह चुनो जो हेठ दित्ती लड़ी विच प्रश्न चिन्ह दी थां लै सकदे हन। इत्थों तुसीं अपने आप ही इस नूं हल करके देखना है, तो तुहानूं पता लगेगा पैटर्न पेपर दा किहा जाएगा। यह सिर्फ पैटर्न समझाउण दी गल है, होर गल कुछ नहीं हैगी। चार संख्या जोड़े दिते गए हन जिन्हां विचों तीन किसी खास रूप नाल समान हन, एक वक्खरा वक्खरा चुनना। इस दे विच किवें ने इह वक्खरे देख लो तुसीं आप ही, तुहानूं आप हल करना। तां इक सवाल सातवां, इन्हां दे विच विकल्प चुनने ने, तुसीं देख लो। वीडियो स्टॉप करके तुसीं अपना सवाल देख सकते हो। एक कॉलेज के विद्यार्थी द्वारा ये भी तुसीं देख लो भी इस तरह का पैटर्न आएगा। अठवां क्वेश्चन, रेखा चित्र उन्हां नूं लोकां नूं दर्शाउंदा जो दुध साफ ड्रिंक सोडा ते जूस पसंद करते हैं। जो वह लोग दसने जो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ते दुध पसंद करते हैं, तो उन्हें जू। इस तरह इस आंसर की ये आंसर की है पटवारी के पेपर की, ये सारी होर गल कुछ नहीं। तो ये भी रीजनिंग का सवाल है, ये भी तुसी हल करना। अठ दा जी 72 नाल की संबंध है, उही 4 दा अगले दे नाल संबंध होगा। इस तरह ये सवाल है दसवां। 11वां सवाल है, क्वेश्चन थां दी की आएगा, तां तुसी देख के लगा देना अपना। ते लाइन ग्राफ वाले सवाल ये मैं कराए हुए ने, इस दे विच वीडियो है, उत्थों तुसी देख के कर लेने ने। ते इस तों बाद 13वां सवाल कहिंदा, ब्लैक नूं 25 नाल ते रैड नूं 9 वजों कोडबद्ध कीता है, ओरेंज नूं किवें कोडबद्ध करांगे। तां असीं इस दे विच देख लांगे, जिवें कि ब्लैक नूं, ब्लैक दे 5 अक्खर ने, 5 नूं 5 नाल गुणा करे तां 25, रैड दे 3 अक्खर ने, इस नूं 3 नूं 3 नाल गुणा करे तां 9, ओरेंज दे 6 अक्खर ने, 6 नूं 6 नाल गुणा करे तां 36 बन जूगा। ये भी रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन, कहिंदा 20 किलोमीटर दा सोनू दक्षण वल गया थे, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता, फिर उत्तर वल मुड़िया, तो तुहानूं ये सारे सवाल जिहड़े कि हल करने हन आप। तुसीं 15वां सवाल है, प्रतिशत वंड नूं दर्शाउंदा है ग्राफ 2017 IPPS दे प्रीख्या विच चुने गए कुल उम्मीदवार 6000।
ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 35% ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਕੁੱਲ ਮਰਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ, ਤਾਂ 6000 ਦਾ 25% ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, 6000 ਦਾ 25% ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ, 6000 ਦਾ 25% 25/100 0 25 150 1500 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ 35% ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, 65% ਮਰਦ ਨੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 1500 ਦਾ 65% ਕੱਟ ਲਓ, 15 ਨੂੰ 65 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 975 ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 975 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਐਪਲ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਲਸ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, 1 2 3 4 5 6 7 ਨੇ, 7 ਨੂੰ 7 'ਤੇ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 7 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 545 ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਜੂਗਾ। 18ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦਾ ਭਰਾ ਬੀ ਐੱਮ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੇ ਵੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬੀ ਐੱਮ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਡੀ ਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਐੱਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਡੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸ ਡੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕੇ ਐੱਮ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੇ ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 19ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 20ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਮਹਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ 30 ਹੈ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ, 5/30 ਕਰਕੇ 5 5 6 5 30 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ 54 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 6 9 ਇਸਦਾ 6 9 54 9 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣੀ, ਲਾਗਤ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੰਟ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤਾਂ 2:3 ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਐੱਫ ਦਾ ਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, 25th ਆਫ ਮੰਥ ਇਜ਼ ਅ ਮੰਡੇ, ਵਟ ਡੇ ਵਿਲ ਇਟ ਬੀ ਔਨ ਦਾ 1st ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਰਾਈਡੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਲੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 70 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 27ਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ 28ਵਾਂ
लाइन ग्राफ वाले वख वखरे कराए हुए ने। उन्तीवां सवाल देख लो तुसी, इस तो अगे है तीवां सवाल लाइन ग्राफ वाले। इसका मतलब लाइन ग्राफ या ग्राफ वाले सवाल ज़्यादा आ रहे हैं एस आई के पेपर के। एस आई का पेपर एक होर आना, कंसटेबल का हैड कंसटेबल का भी यह जी होना, तो इसमें तुसी चंगी तरह देख लो परख लो। तो इसका देख लो तुसी कैटा प्रेषण देते विकल्पों की संख्या की चोण करो जिन्हें संत की आ सकता है, मतलब तुम्हें देखना भी किस तरह इन्ह का पैटर्न बनता उस हिसाब के नाल आप बना है। जिमें कि सत्त की इक्की चार पच्ची छे पाँच तीह तो छे छत्ती चार ती बारह बारह तो पाँच सतारह इस तरह पाँच ती पंद्रह पंद्रह के नौ चौबी चौबी आ गया। उबे कलम पिछड़ो जो संख्यावान उस तरह संबंधित हो जिस तरह हेट देख लें इसते की करा क्या तीन का इन्होंने क्यू क्या तीन का क्यूब सताई सताई तो एक अठाई इस तरह अठ का क्यूब है पाँच सौ बारह प्लस एक तेरह इस करके इन्होंने पाँच सौ तेरह ये आंसर लगाया। बखरा पिन लभना पच्ची दी पचहत्तर वाला ये भी है तेती दे विच चौंतीवें क्वेश्चन में लाइन ग्राफ वाला, लाइन ग्राफ वाले ज़्यादा औसतन विक्री का अनुपात पता करो आ रहे ने। उस तो अगे पैंतीवें क्वेश्चन है रीजनिंग के रिलेटेड है, भी तुसी देख लेना इनू आप ही। लिमिटेशन एंड क्लिसेनन कोडबद्ध किया जाता है तो सीक्वेंस नू किस तरह कोड किया जाएगा ये भी तुसी खुद देखना कड के। वो संख्या चुनो जो हेठ लिखे लड़ी प्रश्न चिन्ह की थान लेगी, देख लेना वी एक्स किवें आई है। बारह साठ चौरासी इसका मतलब उस तरह का ही लभना, बारह पाँच साठ बारह सत्त चौरासी सतारह पाँच पचासी सतारह सत्त एक सौ उन्नी ये ठीक है अपना। ये सवाल तुम आप मैथ का सवाल आ उनतालीवां, मैं हल करके बहुत जल्दी पाऊँगा भी थोनू तो पैटर्न वाला सवाल आ गया। इस दे विच देख लो किस तरह है आएगा, पहला वो इस तरह घूमया फिर इस तरह घूमया फिर चलो चार नंबर तो जिस तरह उस तरह घूमया फिर इस तरह घूमूंगा जो मेरे दो नंबर है। रीजनिंग दे सवाल सीगे रीजनिंग एवें जिमें जी एच टी एस पी जे के डबल्यू वी एस अते एम सी पी एल एन जी इस तरह अगला पी एफ एस ओ क्यू जे आएगा, किस तरह आएगा तुसी आप देखना कट के। जे ए टी वी है सी यू पी एक हज़ार अठ है तो वर्ड किवें लिखा जाऊगा, इसका मतलब है ए एक नंबर दे टी है जी भी नंबर दे आती है तो भी एक बी इन्होंने गुणा कर सी तीन नंबर देते यू किन्ने नंबर दे कि पी किन्ने नंबर इन्होंने तिना गुणा कर उस तरह वर्ड वाले अखर जिन्हें जिन्हें नंबर दे आते लिख के उन्होंने गुणा कर दो तो बारह सौ छियानवे उत्तर आजगा अपने को। बार ग्राफ वाला चैनल प्रतिशत वाला तुसी खुद करना ते ताली सवाल साहिल अमित अंकित वाला ये तुसी खुद करना है। सवाल तुसी देख लेना साहिल अमित
अंकित ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਇੱਕੋ ਹੀ 6 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਲ ਮੰਜ਼ਲ ਸੰਖਿਆ 4 ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਸਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਠਿਤ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ 51ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, MS ਵਰਡ 2019 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਲੇਆਊਟ ਮਾਰਜਨ ਇਸ ਇਨਸਰਟ ਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। MS ਡੋਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। 53ਵਾਂ, MS ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਅਪ ਐਰੋ ਕੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਕਾਈ ਵੋਇਸ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਈ BOLP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। BOLP ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੋਇਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਸਕਾਈਪ ਵੋਇਸ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਈ BOLP। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। MS ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਬਾਏ। ਇਨ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਡੈਸ ਇਜ ਬਫਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ CPU ਐਂਡ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਮੈਮਰੀ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇਸ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? BOLP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਰੂਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ। BOLP ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਾ 1 ਨਾ ਹੀ 2। CPU ਦੀ TFLOPS ਸਪੀਡ ਡੈਸ਼ ਪਲੋਪਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ 10 ਦੀ 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MS ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਬ ਜੋੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਰੂਲਰ 1, ਰੂਲਰ ਹੋਮ 2, ਸਪੈਲਿੰਗ ਰਿਵਿਊ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਊਗਾ ਰੂਲਰ ਹੋਮ, ਬਸ 1। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜੀਓਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 1, 2, 3 ਤਿੰਨੇ ਨੇ। OMR ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ। OMR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਲੋਗਰਿਦਮ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ 1 ਅਤੇ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ 1। ਸੈਕਿੰਡ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, 1 ਅਤੇ 2 ਦੋਵੇਂ ਆ। ਡੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਟੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨਸ
इन कोविंटन एंड अनसूटेबल फॉर यूजीआई कीबोर्ड इन डॉस अटैक्स बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डॉस डिनियल ऑफ सर्विस। तुहानू मदद जरूर करूगी, इसनू पढ़ो जरूर, दित्ती गई किरती विच खाली जगह नू भरो। इनपुट यूनिट एम एस वर्ड 2019 हेठ अदत जोड़ियां विचों केड़ा टैब फंक्शन सही है, रिव्यू कमेंट्स व्यू पेज मोमेंट्स, एक ते दो दोवें ही हेठ अदत विचों केड़ा एस सी एस आई पोर्ट के संबंध में सही है, दोवें ने। टैलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन केड़े संचार चैनल की एक उदाहरण है वॉइस बैंड की। फर्जी खबरों नाल निजिठण लई फेसबुक ने तीजी धिर तत्थ जांच की शुरुआत की। ये किस साल विच पेश की गई सी? 2016 दे विच। डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES एक समय के इनपुट डैश बिट ब्लाकों उत्ते संचालित होंदा है, शॉर्ट बिट दे। MS Excel 2019 विच केड़ी शार्टकट कुंजी मौजूदा समाध दर्ज करने लिए वरती जाती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। सोशल मीडिया प्लेटफार्म सिक्ख्या विच किवें मदद करता है? इस पढ़ लो, एक ते दो दोवें ने। REC इज़ वन ऑफ द क्लासीफिकेशन ऑफ यूजनैट न्यूज़ ग्रुप। REC इज़ रिलेटड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਪਾਂ। ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟੋਪਿਕਸ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟਸ ਬੁੱਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਡਾਂਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੈਪ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ IVG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰ ਬਲਾਕ ਗੈਪ। ਕਿਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ डैश दे नाल सोशल मीडिया उद्यमता की धारणा ने एक बिल्कुल नवं आयाम लिया है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम दोवां ने। कीबोर्ड ते FI दा की फंक्शन, वन की दा की कार्ज है? सहायता। हेठ दित्तियां विचों केड़ा आउटपुट डिवाइस नहीं है? लाइट पेन। MNP4 प्रोटोकॉल दा पूरा रूप की है? माइक्रो नेटवर्क प्रोटोकॉल version 4। राक्ष शब्द का सही अंग्रेजी अनुवाद मॉन्स्टर है। सिलेक्ट द वर्ड दैट मीनस द सेम, इतों इंग्लिश शुरू होगी। एज द ग्रुप ऑफ वर्ड इन गिवन ए पर्सन हू नो अलाउट अबाउट फूड एंड कुकिंग एंड इंजॉय ईटिंग हाई क्वालिटी फूड। हाँ जी, वह बंदे की कहे जोड़ा कि बहुत ही ज़्यादा जोड़ा फूड ਦੇ ਕੁਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੌਰਮੈਟ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮਜੈਸਟਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਐਂਟੋਨਮੈ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਵਰਡ, ਹਾਈਜੀਨ ਕੰਸੈਂਟਰੀ ਦਾ। चाहे जो भी हो मैं उत्थे जावांगा, वक्त का सही अंग्रेजी अनुवाद की है? कहिंदा नो मैटर वट आई शैल गोज देयर, नो यस नहीं लगता, नो मैटर वट आई शैल गो देयर, कोई चक्कर नहीं मैं उत्थे जावांगा। पापा ने हमेशा वांग उस नूं डांटिया ते ओह घरों चला गया, वक्त का सही अंग्रेजी की है? एज़ यूजुअल डैड स्कॉल्डड हिम एंड ही लैफ्ट होम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैज़ इनक्रीज्ड नाउडेज। ये पता अपन अजकल की बद रहा, जोड़े ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ने वो इनक्रीज हो रहे हैं अज के दिन। द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइड इन टू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ विच वन हैज़ इन ईयर इन इट। इफ आई वॉज बिकम द प्रेजिडेंट I would make education absolutely free for all citizens. If I was to become the president, की होना सी इत्थे आई वर
सो वह पहला ईरर आ, ठीक है, आई वार आना से उत्थे ते सिलेक्ट द ग्राम ग्रामेटिकली करैक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन केस यू आर टू टायरड, पहले वाला टू नहीं आता, दूजे वाला टू सही है पर हो जो होर गलत है, देयर गलत है, ठीक है। इस तरह देखना अपने भी केड़ा सही बनता फिर आप सिलेक्ट करना। इन केस यू आर टू टायर, जे कहता भी तुम बहुत थके हो लास्ट को देयर टुमारो तो उत्थे आप कल चले जाएंगे, ठीक है। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकली ईरर, द मैन टोल्ड अस हाउ ही क्लेवरली एस्केप द टैररिस्ट अटैक इन इराक, एस्केप द टैररिस्ट यह की है सवाल, सवाल दे विच गलती है। सिलेक्ट द मोस्ट अपेरेंट सिनोनिम्स इन ऑफ द वर्ड ऑफ इंटोक्सिकेटिंग, तो स्टिमुलेटिंग आऊगा दा, तुसी ते कुछ खादा ही नहीं, बाकी तो सही अंग्रेजी है यू हार्डली एट एनीथिंग, तुसी ते कुछ खादा ही नहीं, तुसी बहुत घट खादा। सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सिलेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन वैल्यू, तो इन्होंने इसलिए लार्ज वरत्या। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ फॉर फॉर्म ऑफ मीनिंग फुल सेंटेंस, इसनों सही करके लिखना। 95 नंबर क्वेश्चन अपने को है, गिवन वैल्यू इन इज इज सेंटेंस दैट इज जंबल्ड, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इन सही फॉर्म दे विच लिखना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। पढ़ के आंसर देना, विच कैटेगरी ऑफ अमेरिकन इज हाईएस्ट रिस्क एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड 19, ब्लैक अमेरिकन। सारा पेरा पढ़ के फिर वो सिटा निकलना फिर उसका उत्तर आऊगा। विच ऑप्शन इज कूलेस्ट क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इंडिजीनियस नेटिव, बासी किसी थां दे। वेयर इज नवाजो नेशन लोकेटड, कित्थे पैंदा, इन अमेरिका इज साउथ वेस्ट दे विच। वाई आर एंथिक पीपल फ्रॉम द एमाजॉन रेन फॉरेस्ट एरिया पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू डाइंग फ्रॉम कोविड 19, दे लाइव फार अवे फ्रॉम प्रोफेशनल मेडिकल फैसिलिटी। सारा पैरा पढ़ के उत्तर देना। वट इज़ द फ्रेज टिपिंग पॉइंट इन द गिवन पैसेज मीन, दसना पैरा पढ़ के पता लगू। तो इस तरह अपने 100 क्वेश्चन आने यही करने ने, बस कंप्यूटर के पेपर होना, इस तरह का पैटर्न होएगा। तो कॉन्सटेबल की भर्ती लिए होर भी पोस्ट आई ने जो जिन्हें लास्ट डेट उन्होंने 29 रखी है। तो होप थोड़ा वीडियो पसंद आई होगी, सबसक्राइब जरूर करो चैनल नूं, बस